नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर पर। आज की हम वीडियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें से हमने तीन पार्ट जो है कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट था लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ी। दूसरा पार्ट था आपका सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हमने चार रेशियो पढ़ी, जिसका नाम था डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसी तरह से हमने टर्नओवर रेशियो को कंप्लीट किया, चार रेशियो उसमें पढ़ी, जिसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो थी, आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो थी, आपकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो थी और इन द एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो थी। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर रेशियो में भी कुछ रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी होती क्या है, पहले ये सीखना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या। ये हमें बताएगी कि हमारी प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, हम कितने परसेंट प्रॉफिट सेल का कमा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके सिलेबस में पांच रेशियो दी है। सबसे पहले रेशियो इसमें बात करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आप जानते हैं ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप निकाल रहे थे और इसके कई फॉर्मूले भी मैंने बताया है कि आपने इसको कैसे निकाला है। इस रेशियो का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, क्या है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल की बजाय यहां नेट रिवेन्यू ज्यादा अच्छा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, बात उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यहां से निकल सकती है। कैसे निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट में अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड कर दिया जाए तो ग्रोस क्या निकल जाएगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगी। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखना होगा कि दोनों चीजें कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट सिंपली आपको फाइंड आउट करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल से डिवाइड करना और 100% निकालना। सपोज करते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 10 लाख दी गई, कॉस्ट आपको 6 लाख दी गई, कॉस्ट आपको 6 लाख दी गई। ठीक है, बात तो आपकी ग्रोस प्रॉफिट जो है वो रही 4 लाख। तो यहां से सिंपल ग्रोस प्रॉफिट 4 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका हो गया 10 लाख × 100 विच इज इक्वल टू 40%। ये क्या बन गई आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकल। इसमें इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद हो तो ये निकल जाएगा आसानी से। इसके बाद सेकेंड जो रेशियो हमने इसमें पढ़नी है वो है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में हमने क्या करना है ये ध्यान देंगे। ये हमें बताते हैं कि हमारे एक्सपेंस टोटल सेल में कितने परसेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर्मूला क्या है इसके लिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस जैसे वेजेस सैलरीज एक्सेट्रा। इसके अलावा सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और हम इसमें कह सकते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकम एक्सपेंस भी हो सकते हैं जैसे बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा। लिखने के साथ साथ ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑपरेटिंग इनकम में याद रखिएगा दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और दूसरा कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। कई बार रिसीव लिखा मिलेगा, कई बार क्रेडिट लिखा मिलेगा, डिस्काउंट क्रेडिट कमीशन क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में एक कम जाती है उसके साथ वो क्रेडिट मिलता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है बात, तो ये आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 96 दिया है यहां पर। 96 इलस्ट्रेशन क्या कहता है, सेल्स दे रही है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रही है, आरएफओ दे रखा है स्टॉक में 2,60,000 लेस, 10,000 2,50 आ गया, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी आ गई 2,50,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको खुद दे रखी है, इसको आप लिख देंगे यहां पर होगा 50। सैलरी एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया 40,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 20,000, ये भी आपका क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां हो गया आपका 2,10,000 डिवाइड बाय 250 विच इज इक्वल टू 84% कितना आ जाएगा, 84% आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया आपकी। इसमें आपको पता लगा कि टोटल सेल में से 84% तो हमारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं, फिर उसको ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, और 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, यानी कि अगर हमें बिना अगली रेशो जो करेंगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमें यहां से भी पता लग जाती है, ऑपरेटिंग रेशो यदि 84% है, 84 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 16% होगी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा 100%। ठीक है बात, इसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो हमने करनी है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीके से निकाला जा सकता है,
जितने क्वेश्चन इसमें बताए थे ऑपरेटिंग रेशियो में माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बात। दूसरा प्रश्न फॉर्मूला कहेंगे, यदि आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा हो, नेट प्रॉफिट से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है तो वापस ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। अब ये क्या है, जो कंपनी बिजनेस से संबंधित नहीं है, जैसे लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तक आपने काम करना है। धन्यवाद।